अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अक्स टीवी और मैं हूं आपका होस्ट इरफानुल हक। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ घरों में खूबसूरत पौधे और फूल तो देखे होंगे, लेकिन आप शायद इस बात से बाखबर ना हो कि इनकी खूबसूरती के पीछे किसका हाथ होता है। घर का अच्छा और खूबसूरत लॉन माली की मेहनत के बगैर नामुमकिन है। हमारी आज की मेरी कहानी भी एक माली का काम करने वाले पुर एतमाद शख्स मोहम्मद अली की कहानी से वाबस्ता है। मोहम्मद अली रिनाला खुर्द के एक गांव का रहने वाला है। इसने अपने काम में महारत हासिल की, लेकिन फिर अपने खराब माशी हालात ठीक करने की गर्ज से अपनी आंखों में मुस्तकबिल के हसीन सपने लिए लाहौर शहर में आ गया। माली भी बाप की तरह होता है, जो एक पौधा लगाता, उसकी देखभाल करता और जब इस पौधे को फूल लगते हैं तो उसकी खुशी दीदेनी होती है। मैं इन पौधों की अपने बच्चों से ज़्यादा फाज़िल करता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरा गार्डन बहुत अच्छा हो और इससे मालिक भी खुश होते हैं। जिन घरों में मैं काम करता हूँ वो गार्डन बहुत अच्छे बनाए। दफ़ा अफसोस होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, कहते हैं कई मालिक ऐसे होते हैं जो कह देते हैं तुमने कुछ नहीं किया। इसका कहना है कि शुरू शुरू में मुझे काफ़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर मैंने ज़िंदगी से लड़ना सीख लिया। अपनी ज़िंदगी के बारे में मोहम्मद अली का कहना है, ज़िंदगी तो लाजवाब है, इसमें हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, चलाते भी हैं, लेकिन आज भी हमारे देहात के कल्चर ने हम सब भाइयों को मुत्तहिद रखा हुआ है। इसका कहना है कि हमें रोज़ ज़िंदगी के मुश्किल इम्तहानात से गुजरना पड़ता है। मोहम्मद अली का कहना है कि दूसरे लोगों की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं और बड़े अफसर बन जाएं, ताकि उनको मेरी तरह मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। मेरे तीन बच्चे हैं, मैंने स्कूल में दाखिल कराए हैं और मेरी कोशिश है, फुल कोशिश है कि वो पढ़ लिखे के बड़े से बड़े अफसर बने और मेरे तरह मजदूरी ना करें। मोहम्मद अली का कहना है, दूसरों की खुशियों में खलूस दिल के साथ शरीक होने का जज्बा गरीब तबके में अभी तक जिंदा है। इसका कहना था, हमारी पिछली नस्लें नाख्वानदा थीं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को तालीम से रोशनास करवाने का तहिया कर रखा है, इसीलिए मैं रोजाना सुबह घर से निकलता हूँ और शाम ढले तक काम से वापस आता हूँ, ताकि बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकूँ, क्योंकि माली परेशानियों की वजह से मुझे बचपन से ही अपने वालिद और भाइयों के साथ मेहनत मजदूरी करना पड़ी। होते मुझे बहुत अच्छा शौक था फूलों और पौधों को लगाने का। मेरा वालद मेहनत मजदूरी करता था और हम चार भाई हैं, चारों मजदूरी करते हैं। मैं कई मुख्तलिफ घरों में जाता हूँ, काम करता हूँ
15-20 हज़ार कमा लेता हूँ, इससे मुश्किल से गुजारा होता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि हमें अल्लाह ताला ने रोज़ी दी। अब मैं किराए पर रह रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे और मैं दूसरे लोगों की तरह सुकून से रह सकूँ। मोहम्मद अली की कहानी मुश्किलात, मसाइब और अंतक जद्दोजहद और मेहनत से इबारत है। मोहम्मद अली अपनी जिंदगी के मियार को बेहतर बनाने, बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने और अपने खानदान को बुनियादी जरूरियात जिंदगी फराहम करने के लिए पुरअज़म है और वो ख्वाब देखने की बजाय मेहनत पर यकीन रखता है।